अभिनेता विवेक ओबरॉय मुंबई में एसिड हमले से पीड़ित लड़की ललिता बंसी की शादी में शामिल हुए। ललिता और राहुल जो हैं वो दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए हैं। भाई इस पर बात में हम आपको खास बात बताएं कि जो विवेक हैं वो इस लड़की को मानते हैं अपनी बहन। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने काफी सारी जो रस्में हैं वो निभाई और विवेक ओबरॉय ने इस नए जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। ललिता और राहुल की शादी भी काफी खास है क्योंकि ललिता एक एसिड अटैक पीड़िता है। 26 साल की ललिता की अब तक 17 बार सर्जरी हो चुकी है और आगे भी इनका जो ट्रीटमेंट है वो शादी के बाद जारी रहेगा। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस खास शादी में। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय एसिड अटैक पीड़िता ललिता बंसी की शादी में पहुंचे और नव विवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। विवेक ओबरॉय ललिता को अपनी बहन मानते हैं। विवेक ओबरॉय सामाजिक मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विवेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शादी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मेरी छोटी बहन ललिता बंसी की शानदार लव स्टोरी। ललिता असली हीरो है क्योंकि उन्होंने 1000 एसिड अटैक पीड़ित को साबित किया है कि ये फुल स्टॉप नहीं बल्कि सिर्फ कॉमा है। जीवन में कई संभावनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँ पूरी ASSF की टीम को। हमारी मुख्यमंत्री की जो वाइफ हैं अमृता भाभी, उनको, क्योंकि उन्होंने ASSF जैसे ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, स्टेट काउंसिल ऑफ वुमेन के साथ में, स्टेट वुमेन्स कमीशन के साथ में एक मंच दिया, जिस मंच पे पहली बार मैं मिला इनसे। इनका समर्थन बढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया था और बैक स्टेज मुझे कहा गया था कि आपको ललिता के साथ स्टेज पर आना है, और वेट करते करते मुझे ललिता की पूरी कहानी सुनने में आई। आई वॉज वेरी टच्ड और मुझे लगता है कि जो एसिड विक्टिम्स हैं, एक कुछ चीज़ें हैं, हम सहानुभूति ज़्यादा देते हैं, कंपैशन के बदले में हम सिंपति देते हैं, तो इनको सिंपति की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग लेडीज़ हैं क्योंकि जो इनके साथ हुआ है उसके बावजूद आज ये मुस्कुरा रही हैं, खड़ी हैं, अपना फ्यूचर सोच रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एक होप इन्होंने दी है इस मंच पर। ललिता हैज़ बिकम अ हीरो बिकॉज ऐसी कितनी एसिड विक्टिम्स हैं जिनको लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझसे शादी कौन करेगा, लेकिन किसी ने इनसे शादी की। मैं जानता हूँ कि पैसों के लिए नहीं की क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है और कोई मोटिव नहीं था। उनको प्यार हुआ इस लड़की से, इसके दिल से प्यार हुआ और इसकी स्पिरिट से प्यार हुआ और उससे शादी कर रहे हैं। ललिता को उसका हम सफर मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ललिता के पति राहुल कुमार ने एक बार गलती से उनका नंबर डायल कर दिया था। राहुल की इस गलती ने उन्हें उनके प्यार से मिलवा दिया और यहीं से शुरू हुई ललिता और राहुल की लव स्टोरी। 10 महीने में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ललिता के जीवन साथी राहुल पेशे से CCTV ऑपरेटर हैं। ललिता को अभिनेता विवेक ओबरॉय ने रहने के लिए घर दिया है, साथ ही भविष्य में होने वाले ऑपरेशन का खर्च उठाने का वादा भी किया है। इससे पहले भी विवेक ऐसा लोगों के लिए करते रहे हैं। ललिता के इस नए जीवन के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 मुंबई।